साल जो है बर्थडे मैं बहुत धूमधाम से मनाता था। मैं क्या हो तो सब मेरे जो चाहने वाले पटाखे रोड पे केक वेक यानी ये जो बर्थडे है तो बर्थडे का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने ये सोचा इस बार कि मैं बर्थडे का वाइपर ये पहला साल है मेरा, इसके बाद में कभी कोई बर्थडे केक का कोई विषय नहीं रहेगा। हर साल ऐसा ही कुछ कार्यक्रम होगा जिससे वह भुसावल की जनता को फ़ायदा हो मेरी तरफ से। उसमें 50,000 रुपये वेस्ट करने से अच्छा इधर अगर 1,00,000 रुपये भी लगे हर साल के तो चलेगा। लेकिन ये जो काम है गोवा का काम है, 786 ग्रुप में ये पहला स्टार्ट किया है और मैं चाहूँगा जितने भी भुसावल शहर में सभी कास्ट सभी धर्म के जो लोग हैं तो ये बर्थडे का ट्रेंड ख़त्म करें। इससे क्या बर्थडे पार्टी बियर पीना ये वो जो माहौल ख़राब हो रहा तो कहीं ना कहीं इसको बंद करने की शुरुआत हमको करना पड़ेगी चाहे वो कोई भी हो। तो ये काम 786 ग्रुप ने स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह हमने जो कैंप रखा है तो ये कैंप में हमारे साथ में भुसावल शहर के जो भी संस्थापक अध्यक्ष हैं जैसे कि मुस्लिम मंच और कौन होगा सभी तो जो भी है सब मेरे चाहने वाले मेरे साथ हैं। तो अल्लाह के करम से ये अपने वही सोच के किया कि मैं बदले बाइकआउट करो और ये ऐसा कुछ करो कि जिससे मैं पब्लिक को फायदा पहुँचे। मंजे तुम्हें युवा मंजे जो युवा मुल हैं काय संदेश देना रहे तुम्हें? मैं उनको ये बोलूँगा कि बेटा जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता और जो बदले रहता वो साल जीवन का एक साल कम होता तो खुशी मनाने का दिन तो है ही नहीं। मेरा भी मज़हब यही बोलता और हर धर्म में भी यही है। ये बर्थडे नहीं कि भाई बियर पी रहे और फिर पार्टियां मना रहे केक एक दूसरे को लगा रहे, ये कोई जीवन नहीं है। इंसानों वाला जीवन ये है कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचे। तो मैं अपने यंग युवा जो बच्चे हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि बर्थडे ना मनाते हुए कुछ ऐसा करो कि अपने माँ बाप को भी खुशी मिली तो बहुत।